चलिए तो अब आपको जनेऊ लीला बताने जा रहे हैं। आप सोचिए, आप जरा सा दिमाग लगाइए कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं। ना ना, मुझे पता है बहुत अच्छा फील होता है, वो फीलिंग थोड़ी देर के लिए लीजिए। आप फील कीजिए कि आप एक सरकारी अधिकारी, एक आईएएस ऑफिसर है। आपके घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम, एक फंक्शन है और उस कार्यक्रम का खर्च आपका विभाग वहन करे, वो विभाग जिसके आप सचिव। आह क्या आनंद हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो लगता है कि आप कहिएगा ना, ऐसा कैसे होगा भाई, खर्च मेरा है, फंक्शन मेरा है, तो खर्च तो मेरा ही होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? पर झारखंड में यह सब हो सकता है, और हो क्या सकता है, हो रहा है। हमने कहा था ना कि हम 2020 खेलेंगे, कल हमने पहला ओवर डाला था, आज दूसरा ओवर डालेंगे। गेंद की गति मत देखिएगा, गेंद की स्विंग देखिए, कभी आउट स्विंग मारेंगे, कभी इन स्विंग मारेंगे। और देखिए हमारी ये स्पेशल खबर जनेऊ लीला झारखंड की, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तारीख थी 6 मई, आईएएस विनय चौबे के यहां फंक्शन था, उनके बच्चों का उपनयन संस्कार था। माना आप आईएएस हैं, माना आप रसूखदार, पर ऐसा भी मत कीजिए अभी। जैसे जनेऊ में दिए थे आप गाड़ी, तो जनेऊ में दिए थे तो वही बातचीत हो रही थी, तो हमको लगा कि हमको बोले, वही बोले, इनफैक्ट उनको 20 मत लगेगा लेकिन वही बोले थे हमको कि आपके बारे में। शिव भी कोई है ना? मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, भाई है आप लोग? तो कैसे होगा बताइए, फिर आप डेट तो बताइए। डेट मान लीजिएगा टेंटेटिव हम बताते हैं 10 जून नहीं तो 12 जून। सर इस रेंज में तो गाड़ी बहुत मुश्किल है। अच्छा, इनोवा इनोवा का क्या रेट लगेगा? है इनोवा इनोवा का? इनोवा आपको 1600 और डेट में वही लगाए जो विनय जी को लगाए थे, वही अरे जो जनेऊ में लगाए थे वही लगाए, वही वो नहीं लगा था। हम इस शख्स से विनय चौबे के खास बनकर मिले। इस शख्स ने कबूल किया कि इसने उपनयन संस्कार में गाड़ी दी थी। हमने इस शख्स से कहा कि हमें उसी रेट पर गाड़ी चाहिए जिस रेट पर यह गाड़ी विनय चौबे को देता है। इसने कबूल किया कि यह उसी रेट पर हमें गाड़ी देगा। 10 से 12 गाड़ी हो नहीं पाएगा क्योंकि 10 से 12 गाड़ी मेरे पास है ये नहीं, लगन है ना, अभी कोई गाड़ी देगा ना, और हम आपको बेसिया करा नहीं सकते। लेकिन उनको तो रेट आप बढ़िया दिया था, बहुत रेट है इनके पास। लेकिन जब बहुत ट्रेवलेंसी है अभी, अभी हमारे पास गाड़ी नहीं उपलब्ध है, हम कैसे आपको वहाँ से कर दें? तो उनको तो दिए थे यार, कितना गाड़ी दे दिए थे? दिए थे भैया तो उसमें मान लीजिए कि था गाड़ी दिए थे भैया, अभी जान लिया तब गाड़ी तो इतना जुगाड़िए लेते हो ना। तो भैया जानते उसमें भी आपको बहुत परेशानी है। कितना गाड़ी दिया था उनको? कितना गाड़ी दिया?
गाड़ी का 3,60,000 बोल रही है। क्या बोल दिया आप? उन्हीं के आदमी, हमको पता नहीं है। तो फिर 2,60,000 आपका बिल काट के जुट के मैं दे दूँ। नहीं नहीं, हम तो वो हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम चूंकि उनके संपर्क से आए हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो काट के उसका 2,60,000 कर दिया गया है और जुट को में जमा। आपको मिला ये भी हमको मालूम है कि आपको अभी तक मिला भी नहीं। हमारे रिलेशन से फिर कोई आएगा तो ऐसे ही ना धरना पड़ता है। मेरे लिए कुछ कीजिए, पैसा में दिक्कत नहीं आएगी। हैंड टू हैंड बिना बाबू टाइप से हम नहीं करेंगे, वादा करते हैं। आपका आपका सर छोटे कहते हैं। अरे सुनिए भैया, अभी मेरे पास इतना बर्डन है, अभी हमको सोचने पर कभी समय नहीं मिल रहा है, इतना कर्जा में। हमारे संवाददाता ने जब कहा कि आपका बिल जुटको को बढ़ा दिया गया है तो सूर्या हंसने लगा और उसने कहा आपको सब पता है। फिर उसने कहा कि वो इस मामले में नहीं बोलेगा, लेकिन सूर्या की हंसी कबूल कर रही थी कि उसके पैसे जुटको से मिलने वाले हैं। सूर्या अपनी गरीबी और कर्ज का हवाला भी दे रहा था बार बार। उसने साफ साफ कहा कि उपनयन संस्कार में उसने 5 या 6 गाड़ी दी थी। उसने ये भी बताया कि फिलहाल उसका पेमेंट नहीं हुआ। कहिएगा तो तीन बच्चियां हैं, छोटी है। अब आपको हम सच्चाई बताते हैं कि हम बिना बाबू के मैंने बहुत गरीबी है। कहिएगा तो हम बिल वो पास करवा देंगे। अरे नहीं नहीं, इसके लिए हो रहा है। अभी देखिए पता नहीं, अभी तो हम उसके चक्कर में है नहीं, हम दूसरे चक्कर में। हम तो रात रोड से आए कि आप घर गए तो क्या बात है। हम बोले फोन पे भी बोलिए तो आप बोले ना। ना उसी के लिए दूसरा चक्कर, कुछ गड़बड़ चक्कर है क्या? नहीं नहीं, भाई का भी ऑपरेशन कराना है, गाँव घर में शादी लगा हुआ है। नहीं आप जो बोले ना कि अभी हालत खराब है तो जहाँ 2,50,000 रुपया भैया बाकी रहेगा, हालत नहीं खराब होगा। हालत खराब रहेगा नहीं तो अच्छा, ये लोग क्या कर रहा है नहीं समझ। हमारे संवाददाता ने खुद को फिर से विनय चौबे का करीबी बताया। सूर्या ने फिर से कबूल किया कि जुटको में पैसा बकाया है। हमारे संवाददाता ने कहा कि वो उसके पैसे निकलवा देगा। सूर्या ने कहा कि फिलहाल वो इस चक्कर में है ही नहीं। इस बातचीत से क्या साबित हुआ? सूर्या ने उपनयन संस्कार में गाड़ियां दी थी। सूर्या विनय चौबे को गाड़ियां देता है। सूर्या का उपनयन वाला बकाया जुटको देगा। इन तमाम चीजों के साबित होने के बाद हमने आईएएस विनय चौबे जी को व्हाट्सएप पर संपर्क किया। उनसे हमने पूछा कि हुजूर, फंक्शन तो आपका था, बच्चे भी आपके हैं, फिर बिल जुटको को काहे थमा दिया? तो जो जवाब आया देख लीजिए। विनय चौबे कह रहे हैं कि उन्होंने जुटको के अधिकारियों से बात की, ऐसा कोई बिल जुटको में जमा नहीं किया गया है, ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि बिल यहाँ जमा किया जाए। फंक्शन मेरा था तो बिल भी मैं ही भरूंगा। पर हुजूर, बिल आपका था तो आपको ही तो भरना था। आपके बिल के लिए आप जुटको अधिकारियों से जवाब तलब क्यों करने लगे? क्या विनय चौबे जी के पर्सनल बिल का जवाब जुटको अधिकारी देंगे? क्या ऐसा पहले भी हुआ है कि विनय चौबे जी का पर्सनल खर्चा जुटको भरता है? भगवान न करे ऐसा हुआ हो, पर अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत दुख हुआ होगा। बताइए, अपने उपनयन संस्कार बच्चों का किया, बच्चे आपके हैं, और अगर ऐसा सच हुआ तो इन बच्चों को कैसा संस्कार मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो 6 मई को यह उपनयन संस्कार हुआ था। चलिए बहुत अच्छा है, उपनयन संस्कार हमारे सनातन परंपरा में, उस उपनयन संस्कार का बहुत महत्व है। संस्कारों का ही हमारे सनातन परंपरा में बहुत महत्व है। लेकिन जिस तरीके से इस उपनयन संस्कार में गाड़ी का बिल, अभी तो गाड़ी के बिल की बात की, अभी खाने के बिल की भी व्यवस्था है,
मैं बताऊंगा आपको, मैंने कहा ना कभी तो ये दूसरा ओवर है, स्पीड मत देखिएगा बॉलिंग की, स्विंग देखिए। हमने 2020 का आगाज किया है तो भैया पहले हमने बॉलिंग ली है और बॉलिंग हम कर रहे हैं, हम तमाम चीजें खोज खाज के निकाल करके लेके आ रहे हैं आपके सामने और दिखा भी रहे हैं, और अभी ये शुरुआत है, ऐसा नहीं है अभी तो हमने पत्ते खोलने भी शुरू नहीं किए हैं। हमने कहा ना कि अभी तो सिर्फ गाड़ियों का हम कच्चा चिट्ठा दिखा रहे हैं, अभी तो खाने पीने का साथ तमाम कच्चा चिट्ठा दिखाना बाकी है। देखिए सहयोगी अजय लाल और सहयोगी इमरान दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पहले रुक कर रहा हूं अजय लाल का। अजय लाल, हमने 2020 मैच का आगाज किया, आप सोचिए कि उपनयन संस्कार में जो गाड़ियां रेंट पे ली गई उन गाड़ियों का खर्चा जुड़को को थमा दिया गया। बहुत संभव है, बहुत संभव है कि अभी उस बिल को हटा दिया जाएगा जुड़को से, क्योंकि आईएएस अधिकारी देश का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी होता है। बहुत इंटेलिजेंट आप होते हैं तभी आप यूपीएससी क्लियर करते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तभी आप सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचते हैं। तो बहुत संभव है कि आप उन बिल्स वगैरह को हटा लिया जाएगा, लेकिन ये जो कबूलनामा है, ये बेचारा एक गरीब ट्रैवल, जो ट्रैवल एजेंट है, छोटा सा गाड़ियों का ये एजेंट है, इसके पैसे दे दीजिए, बस इतना कहना है। जुड़को के हवाले इसको क्यों छोड़ रखा है, आपने पर्सनल इस्तेमाल किया इनकी गाड़ियों का, तो कम से कम इस गरीब के पैसे दे दीजिए। अजय लाल, सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त हमारी आपसे बातचीत हो रही है, इस वक्त जुड़को का कार्यालय खुला हुआ है। हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि जैसे ही ये खबर ऑन एयर होना शुरू हुआ, पहले लोगों को लगा कि हो सकता है कि खबर को दबाने की कोशिश होगी और फिर सब कुछ, लेकिन जैसे ही ये खबर ऑन एयर होनी शुरू हुई है, जुड़को कार्यालय इस वक्त भी, जब हमारी घड़ी में 8:16 हो रहे हैं, जुड़को कार्यालय खुला हुआ है। और जिस बिल की बात आप कर रहे हैं, जिस बिल की चर्चा झारखंड की सभा 3 करोड़ जनता देख रही है, उस बिल पर गहन चर्चा हो रही है, और हो सकता है उस बिल को फाड़ने की कोशिश हो। और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है कि राजधानी के 3 बड़े होटल में कमरा नंबर 205 से लेकर 211, 3 बड़े होटल में इनके अतिथियों को ठहराया गया था, उसका बिल भी जुड़को के पास आएगा और ये कहा जाएगा कि कंक्लेव के नाम पे आप इस बिल को क्लियर करें। राजधानी के 3 बड़े होटल 205, 206, 207, 208, 209 और 211, ये तमाम 3 बड़े होटल का मैं नाम ले रहा हूँ। आने वाले दिनों में इस बात का भी मेरे पास डॉक्यूमेंट कुछ आया है, कुछ और डॉक्यूमेंट मेरे पास आएंगे कि कैसे विनय चौबे के बेटे के उपनयन संस्कार में 3 बड़े होटलों का भी खर्च हो सकता है विभाग ही, जुड़को ही वहन करे। और जो जानकारी मेरे पास है, जुड़को में जो गाड़ियां चलती है अभिषेक पूरे महीने भर का, उसका बिल आता है 3,90,000 रुपया, यानी कि जुड़को के अधिकारी जिन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं पूरे महीने भर, उसका बिल आता है 3,90,000। लेकिन विनय चौबे ने जो अपने बेटे का उपनयन संस्कार कराया, यज्ञोपवी संस्कार, उसका बिल आ गया 3,60,000 रुपया। और उसके बाद से ही अधिकारियों ने हाथ खड़े किए कि अब बिल का पेमेंट करें कैसे। और एक जानकारी यह भी दे दें कि जो उपनयन संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 24 संस्कार होते हैं, और उसमें सबसे अहम माना जाता है उपनयन संस्कार। जो कुंवारा लड़का होता है, जिनकी शादी नहीं होती रहती है, वो 3 धागे का जनेऊ पहनता है, और ये कहा जाता है कि पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण, ये तीनों ऋण से वो मुक्ति पाना चाहता है। विनय चौबे किस ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं, ईश्वर जाने, भगवान जाने। और यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस जनेऊ को धारण करने के बाद व्यक्ति सच बोलता है। विनय चौबे भी जनेऊ धारण करते हैं, इस बात की पूरी जानकारी न्यूज 11 के पास है। और 6 और 7 मई को 12 गाड़ियां आई थी, जिसमें सियाज मॉडल की गाड़ी थी, साथ ही क्रेटा गाड़ी थी, 5 इनोवा गाड़ी भी थी, और 7 मई को 15 गाड़ी मंगाई गई। इस गाड़ियों का भी मॉडल VIP मॉडल था, सियाज गाड़ी आई थी, इनोवा आया था, क्रेटा आया था। सवाल यह उठता है कि जुड़को इस बिल का वहन कैसे करेगा, जाहिर सी बात है अधिकारियों पर दबाव देने की कोशिश हुई थी। और आपने बिल्कुल सही कहा, अभी तो सिर्फ गाड़ियों का बिल
न्यूज 11 के पास डॉक्यूमेंट के माध्यम से, स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से सामने आया है। थोड़ा इतना रखे, होटल का बिल भी हो सकता है जुटको ना पहुंचे, उत्पाद विभाग के कार्यालय में पहुंच जाए, क्योंकि तमाम विभागों के मुखिया खुद विनय कुमार चौबे ही हैं, तो कई विभागों का इसमें संगम होगा। उत्पाद विभाग का संगम होगा, नगर विकास विभाग का संगम होगा, जुड़को का संगम होगा, और तमाम लोग कुछ ऐसा करामात करेंगे कि तमाम बिल क्लियर हो जाएंगे। हमारी नज़र इस पर भी है कि कौन बिल कहां से आता है, किसके हस्ताक्षर से आता है, और कौन कौन गेस्ट आए थे, ये तमाम जानकारी न्यूज 11 के पास है। और जो मैंने कहा कि तीन बड़े होटलों में 205 से लेकर 211 नंबर के कमरे बुक किए गए थे, अभी भी होटल के रजिस्टर में उन तमाम अतिथियों का जिक्र है कि कैसे उन्हें ठहराया गया था, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया दी गई थी, और यह भी कहा गया था कि किसी प्रकार का कोई कष्ट उनके अतिथियों को ना हो। ये तमाम चीजें अमानत में खयानत वाला मामला है। जब आप विभाग के अधिकारी होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा विभाग उनके आदेश पर घन चक्कर की तरह नाचेगा, और विनय चौबे ने यही नचाने की कोशिश की। अन्यथा ये 17 गाड़ियों का जो डॉक्यूमेंट है, 17 गाड़ियों का जो बिल है, ये जुड़को के पास नहीं भेजा जाता। और जो मैं जानकारी दे दूं कि जो ट्रेवल काम करता है जुड़को में, उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं है, लेकिन यह कहा गया था कि उपनयन संस्कार के महज 8 दिनों के बाद उसका बिल क्लियर हो जाएगा, लिहाजा उस ट्रेवल ने, और ट्रेवल का नाम हमारे पास आ गया है भारती, मैं उसको बता देता हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि राज्य हित में उसे भी बताना जरूरी है। जो ट्रेवल्स का नाम है, उसका नाम है टास्क ट्रेवल एंड सर्विसेज। और इस जो ट्रेवल एजेंसी का मालिक, इसने 3 बड़े एफडी को ब्रेक कर दिया था, क्योंकि ट्रेवल एजेंसियां कई बार फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखती हैं कि गाड़ियों का बिजनेस है, यदि कोई गाड़ी पलटी खा गई, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अचानक से पैसा कहां से लाएंगे। लिहाजा ये कहा गया था कि 8 दिनों के भीतर उनके बिल का पेमेंट हो जाएगा, लिहाजा उसने 3 एफडी ब्रेक किया है। और इस वक्त भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, कई प्रकार के व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। ये पूरी जानकारी जो आपने चर्चा की थी कि 2020 ये दूसरा ओवर नहीं, बल्कि अभी 18 ओवर और बचे हुए हैं, होटल का बिल बचा हुआ है, और जो मंडप बना था, जो सामियाना बना था, उस टेंट हाउस की का भी बिल हमारे पास है, और पूरी जानकारी मेरे पास है कि कैसे कैसे टेंट वाले को कहा गया है कि आप बिल कहां देंगे, किस हिसाब से देंगे, कब तक पेमेंट आएगा, पूरी जानकारी न्यूज 11 के पास है। थोड़ा और वक्त बेशक लगेगा, जो पूरी तरह से जिस प्रकार से आज कबूलनामा आया है ट्रेवल एजेंसी का, वो तमाम चीजें न्यूज 11 के पास आएंगे। और बेपर्दा जिस प्रकार से अधिकारियों ने झारखंड को लूटने की कसम खा लिखी रखी है, विनय चौबे जैसे अधिकारी उस परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि जांच हो ना हो, लेकिन इतना तय है कि इस अधिकारी ने पूरी तरह से अपने जो हैसियत है, अपना जो पद है, उसको एक प्रकार से इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं कि तमाम अधिकारी आगे पीछे करते रहे। अजय जी आप हमारे साथ बने रहे, इमरान देखिए हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, एक बार आज के घटनाक्रम पर भी बात कर लेता हूं मैं। आज के घटनाक्रम पर इसलिए बात करना जरूरी है इमरान, कल रात एक मुझे लगता है 3-4 दिनों के बाद ईडी कार्यालय के बाहर सीआरपीएफ नजर आई, हमें उम्मीद थी कि आज तो कुछ तो होने वाला है। सुबह से इमरान वहां पर तैनात है, सबसे पहले प्रेम प्रकाश खुद गाड़ी चला करके पहुंचे, 7 जिलों के डीएमओ पहुंचे, कई डीटीओ से भी पूछताछ हो रही है, होने वाली भी है, तो अभी ये पूछताछ का जो दायरा है ये बढ़ता ही जा रहा है, और आने वाले दिनों में कई और एक्शन अभी जो है वो दिखने वाले हैं। मतलब भले लोग बोल देंगे ना हम प्रेम प्रकाश को नहीं जानते, जैसे पूजा कल तक सबकी थी आज किसी की नहीं है, प्रेम प्रकाश भी कल तक सबके फेवरेट हुआ करते थे, आज ये प्रेम प्रकाश किसी के नहीं है। प्रेम खबर यह भी है कि प्रेम प्रकाश ने अपना मोबाइल भी गुम करवा दिया, उनको लगता है कि मोबाइल गुम करवा करके और वो ईडी के रडार से बच जाएंगे, लेकिन उनको ये गलत फहमी है शायद, उनके जो जो कनेक्शन है, जहां जहां कनेक्शन है, ईडी तो यहां तक नजर बनाए हुए है कि कौन झारखंड से बाहर जा रहा है, कौन झारखंड में है, तमाम अधिकारियों पर नजर बनाए हुए है। इमरान
देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख बातें जो सामने आई हैं कि राज्य के वैसे बड़े आईएएस अधिकारी जो कहीं ना कहीं कुछ वर्षों से लगातार साफ छवि लेकर के कामकाज को अंजाम दिया करते थे, अपने काम को किया करते थे, साथ ही सरकारें किसी के भी हो, ये तमाम जो सीनियर अधिकारी होते हैं राज्य के, उनके साथ इनका अच्छा ट्यूनिंग होता है, अच्छा तालमेल होता है। और इसी का फायदा उठा करके जिस तरह से प्रेम प्रकाश का पूरा मामला सामने आया, प्रेम प्रकाश के जाल में और जो कुंभा में कई बड़े अधिकारी जुड़ते चले गए, ऐसे में जब ये पूरा मामले की जांच जब ईडी की टीम के द्वारा की जा रही है तो आज की तारीख में भी जब प्रेम प्रकाश खुद यहाँ मौजूद है ईडी कार्यालय में, उसकी पत्नी यहाँ मौजूद है, कई व्यवसायी यहाँ मौजूद है, बिल्डर को यहाँ बुलाया जा रहा है, डीएमओ को बुलाया जा रहा है, डीटीओ को बुलाया जा रहा है, तो जो कनेक्शन है वो साफ तौर से जो चीजें हैं वो निकाली जा रही है कि कैसे ये लोग सिस्टम को धोखा देकर के सिस्टम की गैप की कमियों को समझ करके खुद के फायदे के लिए अपने काम को अंजाम दिया करते हैं और अपने काम को क्या करते हैं। हम जिस अभी रिपोर्ट की बात करें तो सीनियर अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं सीनियर विनय कुमार चौबे, अगर ये अपने स्वार्थ के लिए राज्य के संपत्ति का, राज्य के खजाने का उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर राज्य को चलाने के लिए किन अधिकारियों पर आप भरोसा करेंगे, किनके भरोसे से राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कौन होगा जो पूरे मामले की जनता को लेकर के साथ चलेंगे और जनता के हित में, जनता के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य की गति को देने के लिए काम करेगा। अगर इसी तरह से कई अधिकारी नपे जाएंगे, उनके काले चिट्ठे सामने आते रहेंगे तो शायद कल तक हम नेताओं पर आरोप लगाते थे कि कहीं ना कहीं जो नेताओं की कार्यशैली होती है वो ठीक नहीं होता, अपनी संपत्ति और अपने अपने के लिए काम करते हैं और 5 वर्षों तक नोच खचोट की जो चीजें हैं वो तमाम चीजें यहाँ पे की जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़ 11 भारत जिस तरह से लगातार परत दर परत हर एक पहलुओं की पड़ताल कर रही है, दिखा रहा तस्वीरों के माध्यम से विद एविडेंस कि किस तरह से राज्य के बड़े अधिकारियों का, उनके वैसे अधिकारी जो हर एक सरकार में रहे हैं, उनकी छवि जो है साफ सुथरी छवि के रूप में प्रकट अपने आप को करते हैं, लेकिन आज के स्थिति में किस तरह से ये देखिए कि किसी भी विभाग में कोई जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल करते हैं, प्रेम प्रकाश जैसे लोग इनके चंगुल में मौजूद रहते हैं और ऐसे में प्रेम प्रकाश जो जो कमीशन के जो पैसे हैं इनके जेब में जब पहुंचता है तब गर्मी और बढ़ जाती है और प्रेम प्रकाश के लोगों को और तवज्जो दी जाती है। आलम ये इमरान इमरान अजय लाल आप दोनों हमारे साथ बने रहे, इमरान अजय लाल आप दोनों हमारे साथ बने रहे इसलिए क्योंकि अभी और राज खोलने हैं, अभी बहुत कुछ दिखाना है, अभी तो हमने पहले ही गेंद डाली है और बेस हिल रहा है, अभी तो 18 ओवर की बैटिंग बाकी है, थोड़ा सा के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, अधिकारी बोलेगा सबके राज खोलेगा। जून को उत्पाद विभाग की तरफ से, 1 जून को उत्पाद विभाग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया उत्पाद सचिव विनय चौबे ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ दिया कि क्या वो प्रेम प्रकाश को जानते हैं, क्या 2018 में उत्पाद विभाग की तरफ से की गई प्रेम प्रकाश पर FIR की अनुशंसा के बारे में उन्हें जानकारी है। तो उन्होंने कहा ना, ये सवाल उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। खैर आज फिर 2020 के दूसरे ओवर में गेंद थोड़ी तेज आएगी। शराब अधिकारी गजेंद्र सिंह ने खुफिया कैमरे में माना है कि प्रेम प्रकाश विभाग की तरफ से आयोजित हो रही मीटिंग्स में हिस्सा लिया करता था, उस पर FIR रोकने के लिए बड़ा प्रेशर था। तो फिर विनय चौबे कैसे कह रहे हैं कि वो प्रेम प्रकाश को नहीं जानते? क्या विनय चौबे का प्रेम के अंडों से कोई संबंध नहीं है? क्या विनय चौबे इस बात का खंडन कर सकते हैं कि विनय चौबे की तरफ से प्रेम प्रकाश को जब अंडों का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, सरकार में जब अंडों का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला था मिड डे मील के लिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से विनय चौबे का कोई सरोकार नहीं था? एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले इस रिपोर्ट को देखिए फिर मैं अपने सहयोगियों के पास आऊंगा। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। 2020 का दूसरा ओवर, चौबे जी संभालिएगा। उत्पाद सचिव विनय चौबे का ये जवाब तब आया था जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या वो प्रेम प्रकाश को जानते हैं। सवाल ये भी था कि 2018 में 7 करोड़ की शराब प्रेम प्रकाश और उनके लोगों ने मार्केट से जबरदस्ती उठाई। FIR का आदेश दिया गया लेकिन FIR नहीं हुई। उस आदेश को भी आप देख रहे हैं। विनय चौबे ने कहा कि मामला उनसे पहले का है, उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने एक बात और बोली जो आपको सुननी चाहिए। देखिए अब
क्या बोलते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो आप ऐसे चीज़ की चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप खुद ही बोल रहे हैं 2017-18 का मामला है, मैंने आई थिंक मई 2020 में प्रभार लिया है, आपने इस मामले को उठाया है, अभी मुझे इसके बारे में एब्सोल्युटली जीरो जानकारी है। थैंक यू फॉर हमारे संज्ञान में लाने के लिए, हम लोग इसमें जांच करेंगे और जांच के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। इसे ये विभाग किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, ना किसी पर्टिकुलर एजेंसी के लिए है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष की वो बात नहीं करते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि वो प्रेम प्रकाश को नहीं जानते, हो सकता है, लेकिन हमारे कुछ सवाल है। हम लोग बोले ना, व्यक्ति विशेष की हम लोग बात नहीं करते हैं, ना हम लोग किसी संस्था विशेष की बात करते हैं, हम लोग प्रणाली और सिस्टम की बात करते हैं। क्या सच में विनय चौबे प्रेम प्रकाश को नहीं जानते? क्या कभी प्रेम प्रकाश से विनय चौबे की मुलाकात नहीं हुई? चलिए एक शख्स से आपका तारुफ करवाते हैं, ये है गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह के हस्ताक्षर भी देख लीजिए, उसी आवेदन पर जिसमें प्रेम प्रकाश और उसके चट्टे बट्टों पर FIR की मांग थी। एक बार गजेंद्र सिंह से जान लीजिए, समझ लीजिए प्रेम प्रकाश की तारीफ। गजेंद्र सिंह बोलेगा, सबके राज खोलेगा। क्या विनय चौबे अब भी बोलेंगे वो प्रेम प्रकाश को नहीं जानते? गजेंद्र खोलेगा सबके राज, बस इंतजार कीजिए थोड़ा सा, हम कुछ कड़ियां और जोड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह ने जो बोला है वो जब हम आपको सुनाएंगे तो सबके बेस हिल जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा हुजूर, अभी ओवर दूसरा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो सहयोगी अजय लाल, इमरान दोनों हमारे साथ हैं, मैं फिर से एक बार अजय लाल के पास आ रहा हूं। अजय जी, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जिसमें प्रेम प्रकाश के बारे में सवाल पूछा गया, तो विनय चौबे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये सवाल, पहली चीज, ऐसी किसी चीज के बारे में उन्हें पता ही नहीं है। भाई विनय चौबे जी को यह साफ करना चाहिए कि जब मिड डे मील में अंडों का कॉन्ट्रैक्ट मिला था प्रेम प्रकाश को, तो क्या उस दौरान विनय चौबे का इसमें कोई योगदान नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, FIR जब रोकी गई प्रेम प्रकाश और उसके गुर्गों पर, तो क्या विनय चौबे का इससे कोई सरोकार नहीं था? विनय चौबे को यह भी साफ करना चाहिए कि भाई प्रेम प्रकाश जब शराब शोमुक जो कंपनी है, शोमुक कंपनी की तरफ से जब बैठकों का हिस्सा लेने जाता जाया करता था, वही रिप्रेजेंट किया करता था, कलेक्शंस वही किया करता था, तब भी क्या प्रेम प्रकाश से उनका कोई सरोकार नहीं था विनय चौबे का? कल तक ये प्रेम प्रकाश सबका था, आज ये प्रेम प्रकाश किसी का नहीं है, कमाल की बात है, शायद इसी को समय की मार कहते हैं। अजय लाल, देखिए भारती, विनय चौबे के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, और उनसे जब कभी भी कोई सवाल पूछा जाता था, उन्होंने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब 18 मिनट की उनकी प्रेस वार्ता हुई थी, उस प्रेस वार्ता उन्होंने 7 बार, एक दो बार नहीं, 7 बार उन्होंने कहा कि पूरी पॉलिसी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, मैं व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर कुछ नहीं करता हूं, सिस्टम काम करता है। यानी कि सवाल ये उठता है कि आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का जिक्र क्यों कर रहे थे कि मैं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, यानी कि आपके दिल में जो बातें हैं वो जुबा तक आते आते आप उसे वापस ले जाते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में तो पूछा ही नहीं जा रहा था। उनसे पूछा गया कि क्या जो शराब की नई पॉलिसी बनी है उसमें प्रेम प्रकाश के किसी एजेंसी का किसी उनके कंपनी को काम दिया गया है क्या? उन्होंने कहा कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। यानी कि आप जब बेईमानी का काम करते हैं तो कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा आप ईमानदारी बरते हैं। विनय चौबे ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं बातों का जिक्र किया और कहा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था, ये सिलेबस का सबसे टॉप क्वेश्चन था। कायदे से उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी कि FIR कैसे रुकी, और चर्चा तो यहां तक है कि जो नई शराब पॉलिसी बनी थी उसकी कॉपी बजाबता प्रेम प्रकाश को दिखाई गई, एक दो बार नहीं, 8-9 बार दिखाई गई। और मैं नाम नहीं लूंगा, अभी ऑन एयर चीजें चल रही है कि इसमें राज्य के एक राजनेता की भी भूमिका रही थी प्रेम प्रकाश को पूरी चीजों को पढ़ाने में कि आप उनसे नई पॉलिसी के बारे में बता दें,
इशारा मेरा किधर है, झारखंड की जनता चला के वो चीजें समझ रही होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अमानत में खयानत का मामला है। जब आप चीजें आपके हाथ में होती है तो आप एक प्रकार से यूं समझे भारती कि बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली का जिम्मा सरकार ने दे रखा है, अन्यथा ये गाड़ियों का बिल, ये होटल वालों का बिल, ये पंडाल का बिल उत्पाद विभाग, जुडको, नगर विकास विभाग, स्मार्ट सिटी, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ बिल स्मार्ट सिटी के नाम से भी जारी हो जाए, क्योंकि मुंबई में कई बड़े आयोजन हुए हैं अभी हाल के दिनों में। मेरा शक है, मैं डाउट कर रहा हूँ, मैं इसकी आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन जो शंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि कुछ बिल का पेमेंट स्मार्ट सिटी के तरफ से भी ना हो जाए, ये पूरी तरह से जिस प्रकार से जब आप एक झूठ को छिपाने की कोशिश करते हैं तो उस बिना पे कई झूठ आप लगातार बोलते चले जाते हैं। और विनय चौबे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था, कुछ भी पूछिए, सवाल जवाब था उनका कि ये व्यक्ति विशेष के लिए मैं कुछ नहीं करता हूं, आपसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा ही नहीं जा रहा था। हाँ, एक सवाल जरूर था कि आपने प्रेम प्रकाश के ऊपर दर्ज होने वाले FIR में क्या आपकी भूमिका क्या थी। उन्होंने कहा कि मैं 2020 में आया हूं, जाहिर सी बात है FIR 2020 के बाद का ही मामला है। विनय चौबे आधा सच आधा फसाना बोल गए, लेकिन जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं कि गजेंद्र जी ने जो कुछ कहा है अपने स्टिंग ऑपरेशन में, उसकी झलक यदि दिखा दी जाए तो कई सच खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे, तब ना इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ना उस बिल की जरूरत पड़ेगी जो जुडको में भेजी गई है। और जो जानकारी मिल रही है भारती कि जुडको के एक बड़े अधिकारी ने मौखिक तौर पर विनय चौबे को कहा था कि आप बिल भिजवा दीजिए, मैं बिल को पास करवा दूंगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, और ये दिखाया जाएगा कि जुडको के अधिकारियों ने जो कांटा टोली में फ्लाई ओवर बन रहा है, कई जिलों में फ्लाई ओवर बन रहा है, उसके दौरे के दौरान ये तमाम गाड़ियां यूज की गई, यानी कि झूठ को छिपाने के चक्कर में कई बार व्यक्ति कई और झूठ बोल जाता है। विनय चौबे ने यही किया है, लेकिन सच बेपर्दा हो गया है। आप 2020 का बात ना भी करें, मुझे लगता है कि 3 से 4-5 ओवर में इतना ज्यादा सच सामने आ जाएगा कि पूरे 20 ओवर फेंकने की जरूरत ही ना पड़े भारती। चलिए इमरान, अब आते हैं, आप फिर से वापस आ जा रहे हैं, सुबह से आपकी नजर इस पर बनी हुई है, क्या लगता है आज प्रेम प्रकाश की पत्नी से पूछताछ हुई है? खबर तो यह भी आ रही थी कि संभावना बहुत हद तक है कि देर रात तक आज प्रेम प्रकाश ईडी अरेस्ट कर सकती है प्रेम प्रकाश को, संभावनाएं जो जताई जा रही है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि संभावना बहुत हद तक है कि देर रात तक प्रेम प्रकाश को ईडी अरेस्ट कर सकती है। प्रेम प्रकाश ने अपना मोबाइल जो है वो कहा ईडी से कि मेरा मोबाइल खो गया है, मैं उस मोबाइल को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। क्या सामने आ रहा है इमरान? देखिए अभिषेक, जिस तरह से ईडी के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और प्रेम प्रकाश के इर्द गिर्द ये पूरा मामला काफी लंबे समय से चल रहा है, हालांकि बीच में कई लोगों के नाम जुड़े, लेकिन वो आज इस जांच के दायरे पर कहीं धूमिल से नजर आ रहे हैं, लेकिन फोकस जो है वो प्रेम प्रकाश पर है। प्रेम प्रकाश से अभी और भी लंबी पूछताछ होगी, चूंकि आज परिवार के लोगों को भी टच किया गया है, उनकी पत्नी को भी बुलाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, तो साफ तौर से संकेत है कि प्रेम प्रकाश को फिलहाल अभी अरेस्टिंग के मूड में ही नहीं है, क्योंकि कई सवाल है अभिषेक जिनके जवाब और जिनके जो जानकारियां हैं वो ईडी को निकालनी है, क्योंकि जिस तरह से प्रेम प्रकाश के साथ कई अन्य लोग आज यहां पहुंचे हैं, खुद प्रेम प्रकाश पहुंचे, उसके बाद कुछ देर के बाद उसकी पत्नी के पहुंचने की जानकारी मिली, फिर एक व्यवसायी के साथ वो ईडी कार्यालय में मौजूद थे, घंटों ईडी कार्यालय के बरामदे में वो काफी देर तक बैठे रहे और दोनों ही आपस में काफी लंबी बातचीत करती रही। तो हालांकि इस पूरे मामले में आज जिस तरह से पूछताछ हुई है, पूछताछ के क्रम में प्रेम प्रकाश से जुड़े जो तार हैं उनको ईडी की टीम बड़ी बाखूबी से खंगाल रही है। अब प्रेम प्रकाश जो है अब तक ईडी को सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, ये शत प्रतिशत सही बात है, जानकारी जो अब तक मिल पाई है इसके आधार पर ही ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश को तलब किया और प्रेम प्रकाश को लगातार दूसरे दिन ईडी कार्यालय पहुंचना पड़ा। और जिस तरह से कहा जाता है कि जब ईडी की टीम कार्रवाई करती है और जांच का जो दायरा बढ़ाती है तो उनके जद में वो तमाम लोग आते हैं जो इस पूरे मामले में जुड़े हैं, प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रेम प्रकाश से जुड़े जो लोग हैं
तमाम जो लोग हैं उन तमाम लोगों पर ईडी की टीम जो है आज दबिशें बढ़ाई है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि प्रेम प्रकाश और उनके साथ अन्य जो सहयोगी हैं वो यहां से लौटे हैं और लौट करके वापस चले गए हैं। दोबारा से उसे कल तलब किया गया है तो कल भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन ईडी कार्यालय में बहुत सारी हलचले होती नहीं है, लेकिन देखना होगा कि कल का दिन किस तरह का होता है और क्या कुछ खास होता है ईडी के लिए, क्योंकि रात के 9 बजने को है। ऐसे में अब भी ईडी कार्यालय में कई अधिकारी प्रेम प्रकाश के सहित अन्य जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे, इसे एक साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में कई अन्य जो गाज हैं और जो जांच की रफ्तार है वो बढ़ेंगे और इसके आने वाले दिनों में प्रेम प्रकाश सहित कई लोगों पर सीधे तौर से गाज गिरेगी। हालांकि इस दौरान जो बिल्डर है मिट्टू पांडे जो है उर्फ बिमल पांडे, इनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ संकेत जवाब दिए हैं कि ईडी की टीम उनसे लगातार ये पूछती है कि पल्स डायग्नोसिस सेंटर्स की जो जमीन है आपने कितने में बेची, आपको उसके बदले में कितने पैसे मिले और पैसे लेने का तरीका क्या था। इन तमाम सवालों के जवाब में जो मिट्टू पांडे हैं उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्होंने 1 करोड़ कुछ पैसे में उस जमीन को बेची थी, जिसके बदले में वो जो पैसे मिले वो सारे जो है वो व्हाइट मनी के रूप में पैसे लिए गए हैं, किसी को भी हाइड नहीं किया गया है। तो ऐसे में ईडी के जो जांच का दायरा है अब भी पूजा सिंगल, सीए सुमन कुमार, अभिषेक झा के साथ साथ प्रेम प्रकाश जो कि अभी लगातार चर्चा में है और बिल्डर बिमल पांडे और मिट्टू पांडे, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये एक बड़ा चीजें हैं जो ईडी कार्यालय में लगातार देखने को मिल रही है। अजय लाल के कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि शेयर करना चाहते हैं वो? अजय लाल, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास इससे जुड़ी? देखिए भारती, प्रेम प्रकाश का जो पूछताछ चल रहा है ईडी कार्यालय में, प्रेम प्रकाश का एक कुरियर बॉय हुआ करता था, उसका नाम मेरे पास आया है, मेरे सूत्रों ने बताया उसका नाम विकास तिवारी है। हाँ। कौन विकास तिवारी है थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये प्रेम प्रकाश का कुरियर बॉय है, ईडी ने जो जानकारी मिली ईडी के पास कि विकास तिवारी ही प्रेम प्रकाश के एवज में फाइलों को यहाँ से वहां ले जाना, कई प्रकार की वसूली करना, ये प्रेम प्रकाश का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है विकास तिवारी, जो हमारे सूत्रों ने आपसे थोड़ी देर पहले आप एक विश्वसनीय व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अजय लाल आप एक विश्वसनीय व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा तोते की बात कर लेते हैं। न्यूज 11 भारत इसीलिए तो जाना जाता है क्योंकि जादूगर के साथ साथ वो तोतों की गर्दन भी पकड़ता है, तो प्रेम प्रकाश का भी एक तोता है। आप बोलेंगे कौन तोता, कैसा तोता, तो मैं बताऊंगा कि भैया प्रेम प्रकाश का तोता नाम है राजदीप। आप पूछेंगे कौन राजदीप, मैं बोलूंगा राजदीप इस तोता, किसका तोता, प्रेम प्रकाश का तोता, कैसा तोता, तो देखिए इस रिपोर्ट में ईडी एक बार गर्दन पकड़िए, जादूगर के सारे राज खुलेंगे। रिपोर्ट दिखाइए छोटी सी है। प्रेम है और ये राजदीप हैं। राजदीप है तोता, प्रेम प्रकाश का तोता। राजदीप के पास है प्रेम के राज। इस आवेदन में भी है राजदीप का जिक्र। राजदीप पलामू के रहने वाले, रांची के पिस्का मोड़ में भी है घर, रांची में रवि स्टील के पास भी है ठिकाना। एक बार ईडी इधर भी नजर इनायत करे, प्रेम की पोल खोलेगा राजदीप, तोते को पकड़िए, जादूगर का राज खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो देखिए मेरे पास 3 मिनट हैं, मैं 1.5 मिनट अजय लाल और इमरान के पास चलता हूं। सबसे पहले अजय लाल के पास ही चल रहा हूं। अजय जी, हमारे पास 1.5 मिनट है आपके लिए, 1.5 मिनट में सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात यही कि भैया एक बार तोते की गर्दन को पकड़े ईडी, तोते की गर्दन को पकड़ा जाएगा तो जादूगर का रिवाज भी बोला जाएगा। अजय लाल, बिल्कुल भारतीय, देखे ईडी के पास जो सूचनाएं आ रही है विभिन्न स्रोतों से, आप यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई लंबी चलेगी, कई लोग नपेंगे, कई लोग होटवार की यात्रा पर भी जाएंगे, जैसा कि पूजा सिंगल अभी होटवार में रात देख रही होंगी कि कैसी अंधेरी रात है, तारे कैसे चमकते हैं।
ईडी के पास कई विभिन्न माध्यम से जानकारी आ रही है, और एक जानकारी यह भी दे दें कि न्यूज 11 के सूत्रों से जो खबरें हमारे पास आपके पास आ रही हैं उसको भी ईडी संग्रह कर रही है। जिस प्रकार की चर्चा हमने की कि एम प्रेम प्रकाश का एक तोता विकास तिवारी के नाम पे हुआ करता था, वो विकास तिवारी बिहार का रहने वाला है, उस पर भी ईडी की नज़र है। मुझे लगता है कि उसे भी ट्रैक में ईडी के अफसर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रेम प्रकाश का मोबाइल बेशक गुम हो गया हो लेकिन विकास तिवारी का फोन उसके पास है और कई प्रकार की सूचनाएं वो इधर से उधर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ईडी के पास जो सूत्र हैं, जो उनके अपने स्रोत होते हैं पूछताछ के माध्यम से, बिल्कुल। चलिए मैं इमरान के पास चल रहा हूँ। इमरान, ईडी ने इमरान कर रखा है, अब मैं इमरान के पास आ रहा हूँ। इमरान, ईडी की नजर सिर्फ जादूगर पर नहीं, ईडी की नजर तोतों पर भी है। अगर कोई ये गलतफहमी पाले हुए है कि उसके इर्द गिर्द वाले लोगों पर ईडी की नजर नहीं है, तो बहुत जल्द ये लोग भी ईडी की जद में आने वाले हैं। इमरान, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी तो याद होगा कि पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार के नाम के चर्चे थे, लेकिन आज अगर नाम की फेहरिस्ट को देखेंगे तो काफी लंबी है। शायद इतने नाम जुड़ गए इस पूरे मामले में कि आने वाले दिनों में इनसे दुगने नाम जो हैं वो ईडी कार्यालय के चक्कर काटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जो जांच के दौरान कई चीजें बरामद किए गए थे, चाहे वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो या अन्य पेपर हो, उनके आधार पर कई लोगों के नाम बुलाए गए। कई बिल्डर आज इस कार्यालय के बाहर चक्कर काट रहे हैं, कार्यालय के अंदर पूछताछ में शामिल हो रहे हैं, तो कई अधिकारी जुड़ते चले गए हैं। तो आने वाले दिनों में अगर वैसे लोग जो सोचते हैं कि प्रेम प्रकाश के संपर्क में रहकर के उनके बारे में जानकारी ईडी को नहीं होगी, फिर या वैसे पूजा सिंगर के संपर्क में रहकर के किसी अन्य के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि ईडी के पास पर्याप्त जानकारी है। इस पर्याप्त जानकारी के अनुसार ही लगातार ना सिर्फ ईडी अपने कार्यालय में पूछताछ करती है, बल्कि पूरे मामले की जानकारी जब कोर्ट में सुपुर्द करनी होती है तो ईडी पूरी जानकारी के साथ कोर्ट में अपना पक्ष भी रखती है। तो आने वाले दिनों में कई अन्य ऐसे नाम हैं जो इस पूरे मामले में जोड़े जाएंगे या जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ हुई है प्रेम प्रकाश सहित अन्य लोगों से, उनके बाद कई लोगों के नाम भी इस पूरे मामले में सामने आए हैं। इसी के आधार पर ईडी की टीम जो है अपनी जांच की गति आगे बढ़ा रही है। पिछले चार दिनों के बाद ईडी कार्यालय में यह पहला मौका था जब लगभग एक दर्जन से अधिक लोगों के साथ आज ईडी कार्यालय में पूछताछ हुई थी। इससे पहले ईडी कार्यालय में त्रिकोण संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे थे या नहीं उनसे पूछताछ हुई थी। अब जो है दायरा बढ़ रहा है, और जिस तरह से दायरा बढ़ रहा है आने वाले दिनों में लाजमी है कि कई लोगों पर गाज गिरेंगे और वो सलाखों के पीछे जाएंगे। चलिए इमरान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजय लाल आपका, बहुत शुक्रिया अजय लाल आपका। और अब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।